आखिर ये विवेक बिंद्रा सर फेसबुक पेज से इतने सारे पैसे कैसे कमाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब चैनल के लिए फेसबुक पेज कैसे बनाएं और कैसे आप फेसबुक पेज से भी पैसे कमा सकते हैं, क्या है प्रोसेस, कितना लगता है टाइम या फिर कितना लगता है मोनेटाइजेशन में टाइम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम के प्रजापति, आपका राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने YouTube चैनल के लिए Facebook पेज बनाने से पहले हम जान लेते हैं कि Facebook से आखिर पैसा कमाने के लिए हमारे एबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए एबिलिटी, हमारी एज कितनी होनी चाहिए। तो 18 साल आपकी एज कम से कम होनी चाहिए, आपको Facebook का पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो होना चाहिए। ओके, इसके साथ ही आप उस कंट्री में होना चाहिए जहां पर आपका आपके पेज पर जो है एड शो होगा, और इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है वीडियो ऑन डिमांड के लिए वो है 10,000 आपके फेसबुक फॉलोअर होने चाहिए। इसके अलावा 6,00,000 टोटल जो है व्यूज होनी चाहिए, मिनट का टोटल मिनट व्यूज होनी चाहिए आपके लास्ट 60 दिवस में। इसके अलावा आपका जो है पेज है वो कम से कम एटलीस्ट 5 एक्टिव वीडियोस होने चाहिए। वीडियो कैन बी ऑन डिमांड, ओके, लाइव वीडियो भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा जो है एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है फेसबुक से पैसे कमाने के लिए, वो है 60,000 मिनट, ओके, एंड 6,00,000 टोटल मिनट व्यूज इन लास्ट 60 डे, ओके। ये मेन रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए चाहिए, और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि 5 एक्टिव वीडियो, ओके। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ये सब तो आप बाद में करेंगे। सबसे पहले हम चलिए बनाते हैं अपना फेसबुक पेज, अपने यूट्यूब चैनल के लिए अपना फेसबुक पेज बनाते हैं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको फेसबुक में लॉगिन होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपना फेसबुक पेज ही ओपन कर देता हूँ, ओके। मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप अपने फेसबुक पेज से पैसे कमा सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं पेज बनाने के बाद। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखिए, ये मेरा जो फेसबुक प्रोफाइल पेज है, ओके, और मुझे एक पेज क्रिएट करना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो है एक प्रोफाइल पेज ही होता है, और जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, उनका एक पेज होता है, क्योंकि वो अपने अपनी पॉपुलरिटी के हिसाब से अपने पेज से भी पैसे कमाते हैं, यानी फेसबुक पेज से भी पैसे कमाते हैं। तो हमें क्या करना है, पेज बनाना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, ये मैं फेसबुक पर लॉग इन हूँ, और यहाँ पर ये पेज का सेक्शन आ जाता है। तो आपको पेज पर क्लिक करना है सिंपली। इसके अलावा आपको जैसे ही विंडो ओपन होगी तो यहाँ पर सारे आपके पेज जो पहले से हैं, जैसे कि ये मेरे पेजेस यहाँ पर पड़े हुए हैं पहले के, तो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपको नया पेज बनाना है तो यहाँ पर देखिए इस सेक्शन में, यानी कि लेफ्ट साइड में आपको पेजेस दिखेंगे, यहाँ पर क्रिएट न्यू पेज पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि पेज का नेम रिक्वायर्ड है, तो आपको पेज का नेम बनाना होगा यहाँ पर, ओके। तो मैं यहाँ पर पेज का नेम लिखता हूँ, यहाँ पर मुझे पेज का नेम लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा R A M राम के, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेल्थ, ओके। राम के हेल्थ नाम से मैं पेज बनाना चाहता हूँ। आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं अपने फेसबुक पेज के लिए। कैटेगरी यहाँ पर डालनी होगी कि कौन सी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप ये पेज बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर हेल्थ के अकॉर्डिंग, हेल्थ एंड वेलनेस, फूड स्टोर वगैरह क्या दिया गया है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ से आपको जैसे ही हेल्थ लिखेंगे तो यहाँ पर कई सारी कैटेगरी ओपन हो जाएंगी। तो सिंपली मैं हेल्थ एंड ब्यूटी पर ही मैं जो है फोकस करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। हालांकि यहाँ पर आप एक से ज़्यादा भी मल्टीपल कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, तो मैं दूसरी कैटेगरी में हेल्थ एंड वेलनेस, एंड तीसरी कैटेगरी में भी मैं कुछ डाल देता हूँ, जैसे कि हेल्थ फूड स्टोर, ओके। तो मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरी चूज किए हैं, और कैटेगरी जो है वो सारी की सारी हेल्थ से है, हेल्थ के टॉपिक से, ओके। यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना होगा कि आप क्या, आपका बिजनेस है क्या, आप सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को। तो यूट्यूब चैनल पर HEL हेल्थ टिप्स एंड TRX ट्रिक्स, ओके, ट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हेल्थ टिप्स ही होता है। हेल्थ टिप्स एंड फूड के बारे में मैं अपने चैनल पर जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ पर यूट्यूब चैनल भी हटा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर हेल्थ एंड टिप्स के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं
मैं हेल्थ टिप्स एंड फूड टिप्स के बारे में जानकारी दूंगा। ओके, यहाँ पर आपने छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्रिएटर लिमिट भी दी गई है। अब ये हो गया, अभी क्या करना है, यहाँ पर अभी यहाँ से इसको स्क्रॉल कीजिए, ये पूरा आ गया है यहाँ पर पूरा। अब यहाँ पर क्रिएट पेज पर क्लिक करना है सिंपली। जैसे क्रिएट पेज पर क्लिक करेंगे तो आपका फेसबुक पेज क्रिएट करने का पहला जो स्टेप है वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद से कुछ और भी बेसिक जानकारियाँ भरनी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भरना है। तो यहाँ पर बोला है कुछ इमेज लगा दीजिए, तो यहाँ पर अभी मेरे पास तो इमेज नहीं है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली गूगल से कोई एक हेल्थ का टॉपिक का इमेज डाउनलोड करके मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पर हेल्थ लिखा और यहाँ पर सर्च कर दिया, और जैसे कुछ सॉरी यहाँ पर हेल्थ नहीं आया है, HELTH हेल्थ मैंने लिखा, और यहाँ पर ये जो आ रहा है इसको मैं सेव कर देता हूँ टेम्परेरी इमेज के लिए। हालांकि मेरे पास अभी इमेज नहीं है, मैं बाद में इसको लगा दूंगा। तो यहाँ पर हो सकता है इमेज हो भी, कल मैंने लोगो बनाया था, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि क्या मेरे पास इमेज है। तो राइट, यहाँ पर मेरे पास इमेज है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ, हेल्थ का मैंने कल बनाया था यूट्यूब चैनल के लिए। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया इमेज। यहाँ पर कवर फोटो के लिए बोल रहा है, तो कवर फोटो भी शायद होगा, तो ये मैं लगा दे रहा हूँ राम के हेल्थ। ओके, तो यहाँ पर मैंने कवर फोटो भी लगा दिया है, देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ड्रैग करके पोजीशन इधर उधर कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सेंटर में यहाँ पर ही कर दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है सिंपली, और उसके बाद से आपका फेसबुक पेज क्रिएट करने का दूसरा जो स्टेप है वो पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद भी थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, हालांकि आपका फेसबुक पेज जो है पूरा एकदम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी था वो हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप अपने फेसबुक पेज को अपने व्हाट्सएप से लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं, अदरवाइज नंबर नहीं डालेंगे तो भी यहाँ पर आपका फेसबुक पेज बन चुका है। और लेकिन अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने फेसबुक पेज को डायरेक्ट अपने व्हाट्सअप या बिजनेस व्हाट्सअप पर रीडायरेक्ट करना चाहिए, ताकि आप आसानी से फेसबुक पर जो आने वाले कस्टमर हैं उनको आप इजीली व्हाट्सअप से मैनेज कर पाएँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बोला आर यू श्योर यू वांट टू लीव फेसबुक व्हाट्सअप, तो यहाँ पर मैं थोड़े समय के लिए लीव कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बोला है कि क्रिएट ए यूजर नेम, ये बहुत ही ज़रूरी सेक्शन होता है आपके न्यू फेसबुक पेज के लिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्रिएट ए यूजर नेम, जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऐसे आ जाता है। तो मैं यहाँ पर राम KHELTH हेल्थ लिखता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अगर यहाँ पर अवेलेबल होगा तो ही यहाँ पर आने वाला है, अदरवाइज या यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि किसी ने अगर पहले से ये यूजर नेम यूज कर लिया होगा तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये राम के हेल्थ वाला जो यूजर नेम है वो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, हरे का निशान दिख रहा है। तो क्रिएट यूजर नेम पर हम क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका यूजर नेम हैज बिन क्रिएटेड फॉर यहाँ पर राम के हेल्थ। ओके, तो यहाँ पर बन चुका। आप डायरेक्टली इस ये जो लिंक मिल रहा है, आप डायरेक्टली इस लिंक से फेसबुक पर इस पेज को कोई भी एक्सेस कर पाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ facebook.com एंड राम के हेल्थ, डायरेक्टली ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा। ओके, कुछ सेकंड ले रहा है ये इंटरनेट की वजह से। यहाँ पर देखिए ये डायरेक्टली ये पेज ओपन, यानी कि फेसबुक पर जाकर अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे राम के हेल्थ तो ये आपका फेसबुक पेज सामने आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सारी क्या चीज़ें हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अभी क्या करना है, यहाँ पर ऐप डन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप एक बटन ऐड ए बटन पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या देना है वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक सेलिब्रिटी हैं तो आपको यहाँ पर फॉलो मतलब बटन देना होगा, या फिर यहाँ पर आप कोई और बटन भी दे सकते हैं। यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप अपने YouTube चैनल के लिए Facebook पेज बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वॉच वीडियो, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके YouTube चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जाए आपके वीडियोस पर, तो आपको वॉच वीडियो का जो है बटन देना चाहिए। तो यहाँ पर आपको उस चैनल का बटन देना चाहिए। तो आप चैनल का बटन कैसे दे सकते हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर YouTube ओपन किया है, मेरा YouTube चैनल ओपन किया है, और इसके बाद से मैं यहाँ पर जाऊँगा यहाँ पे एंड यहाँ पर जाऊँगा,
उसके बाद से मैं यहाँ से उस राम के हेल्थ चैनल को जो मैंने नया क्रिएट किया है उसको क्लिक करूँगा। उसके बाद से मैं यहाँ पर इसके सेटिंग में जाऊँगा। यहाँ पर जाएंगे हम YT स्टूडियो में, यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर चैनल डैशबोर्ड खुल जाएगा। हमें यहाँ पर सेटिंग में जाना है एंड इसके बाद से यहाँ पर चैनल पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें मैनेज यूट्यूब अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद से दोस्तों इस वीडियो की वजह से आप अपने फेसबुक पेज को अपने यूट्यूब चैनल से कनेक्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर आ जाता है ऐड और मैनेज योर यूट्यूब चैनल, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर बैक जाना है, पहले हमें यहाँ पर ये व्यू एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना होगा। जैसे ही व्यू एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चैनल आईडी आ गया, यूजर आईडी आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, सवाल चैनल आईडी है तो हमें इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर YouTube.com, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर YouTube.com पर लिखेंगे, ये हमने रखा तो ये हमारा YouTube का जो है हमारा चैनल ओपन हो जाएगा इस आईडी से, ठीक है। तो ये हमने अभी ये पूरा पूरा YouTube.com एंड चैनल आईडी ये पूरा हम कॉपी करेंगे, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया है। उसके बाद से हम जाएंगे यहाँ फेसबुक पे, फेसबुक का जो पेज हमने बनाया है यहाँ पर हम अपने बटन ऐड कर रहे हैं तो इस पर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इजीली हम इसको सेव कर देंगे। अब जो भी बंदा हमारे फेसबुक पेज से डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल का वीडियो देखना चाहता है और यहाँ से वन क्लिक में वो आपके यूट्यूब चैनल का वीडियो देख सकता है। अभी देखिए हमने 13 स्टेप में से सिर्फ 6 स्टेप ही कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो चलिए अभी जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो जो है हमने सिर्फ 6 स्टेप ही कंप्लीट किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज़्यादा डीप में ना जाना चाहें तो आपका जो मेन जो उद्देश्य चैनल क्रिया सॉरी फेसबुक पेज बनाने का वो अभी तक बन गया है, यानी इतना सिंपल स्टेप है। आप इस इतना जो करना है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक ग्रुप बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, ताकि उनमें जितने भी आपके ऑडियंस है उस ग्रुप में लिंक कर दें। तो ग्रुप बनाने के लिए आपको लिंक ग्रुप पर क्लिक करना पड़ेगा यदि आपके पास पहले से फेसबुक ग्रुप है, नहीं तो क्रिएट लिंक ग्रुप जो है बनाना पड़ेगा, ओके। तो सिंपली आप यहां पर क्रिएट करते हैं तो यहां पर आप राम के एंड HELTH हेल्थ ग्रुप यहां पर इस नाम से आप एक बना सकते हैं फेसबुक ग्रुप एंड चूज प्राइवेसी। प्राइवेसी में आप प्राइवेट रखें या पब्लिक रखते हैं तो कोई भी इसको देख सकता है। प्राइवेट रखना चाहते हैं तो प्राइवेट रख दें, तो मैं यहां पर पब्लिक कर दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद से हम सिंपली क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक फेसबुक ग्रुप बन जाएगा इजीली हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, यानी कि हमने अपने यूट्यूब चैनल के लिए फेसबुक पेज के साथ अपना फेसबुक ग्रुप भी बना लिया है। इजीली हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कुछ जो हम यहाँ का फ़ोटो है वो हम चेंज कर सकते हैं। अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अगेन हम ये कवर फ़ोटो को क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो कवर है फेसबुक ग्रुप का वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा कुछ सेकंड में। तो देखिए यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फेसबुक पेज के साथ फेसबुक ग्रुप भी बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं कि मैं यहाँ आपको, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली लिखें कि ये ग्रुप सिर्फ हेल्थ, इस ग्रुप ये आप लिख देते हैं, इस ग्रुप में सिर्फ हेल्थ वाले पोस्ट पब्लिस किए जाएंगे, ओके। तो ये मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया अपने फेसबुक ग्रुप के लिए। यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पर ये जो है मेरे ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। एंड यहाँ से मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपने किसी फेसबुक जो मेंबर्स हैं उनको इनवाइट कर सकता हूँ इस ग्रुप में ऐड होने के लिए। सिंपली क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है हमारे पेज के जो फैंस हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। चलिए मैं इसको बाद में करता हूँ। क्रिएट पोस्ट, यानी कि क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर अपने फेसबुक जो ग्रुप है उसमें हम कोई पोस्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर
मैं लिख देता हूँ हाय दिस इज फर्स्ट फेसबुक फेसबुक GROUP ग्रुप फॉर पेज मेंबर। ओके मेंबर मैंने ये लिख दिया है, दिस इज फर्स्ट फेसबुक ग्रुप, दिस इज आवर फर्स्ट फेसबुक ग्रुप। ओके फर्स्ट फेसबुक ग्रुप, यहाँ पे आवर हम लिखेंगे और फर्स्ट फेसबुक ग्रुप फॉर पेज मेंबर। ओके तो यहाँ पे मैं पोस्ट पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से हम फोटोज़ भी अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि हम सिंपली फ़ोटो और वीडियो अपने पेज के सॉरी प्रोफाइल पर अपलोड करते हैं, उस तरह से हम इस पर भी अपने ग्रुप पर पोल भी डाल सकते हैं, यहाँ से पोल क्रिएट कर सकते हैं। क्या आपको यह चीज़ हेल्थ के बारे में जानकारी चाहिए। ओके आप यहां से पोल क्रिएट कर सकते हैं, ऑप्शन वन में यस एंड ऑप्शन टू में नो। तो यहां पर आप दो ऑप्शन आपने दे दिया है, तीसरा ऑप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, तो मैं यहां पर सिर्फ दो ऑप्शन दे रहा हूं। इसके बाद मैं पोस्ट कर देता हूं, तो ये मैंने एक ओपिनियन यानी कि पोल टाइप का पोस्ट डाला है, ताकि जिसको अपने चैनल का जो अपने ग्रुप का इंगेजमेंट है वो बरकरार रहेगा। तो ये मैंने फर्स्ट अपना पोल जो है क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हर कोई अब आकर अपना ओपिनियन डाल सकता है, ये मैंने पहला पोस्ट क्रिएट किया था। तो यहाँ पर देखिए फेसबुक ग्रुप भी इम्पोर्टेंट है और फेसबुक पेज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो ऑडियंस है ग्रुप में कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर जाता हूँ पेज पर, इसके बाद से मैं यहाँ क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जो हमारा ग्रुप था सॉरी हमारा पेज मैंने बनाया था वो कहाँ गया वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पेज बनाया अभी सी ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद से हम यहाँ पर देखते हैं कहाँ गया। ओके तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ राम के एच ई एल टी एच हेल्थ, डायरेक्टली एंटर करूँगा तो ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा। अभी इस पर काफ़ी सारे काम करने बाकी हैं, कुछ और भी ज़्यादा हम यहाँ पर इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने ग्रुप के लिए पोस्ट डालना, क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मैसेज डायरेक्टली अपने फेसबुक मैसेंजर में कर सकते हैं, फीलिंग या एक्टिविटी वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने वहाँ पर अपने ग्रुप में पोस्ट डाला था, यहाँ पर भी क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कुछ और भी यहाँ पर पोस्ट डाल सकते हैं, जैसे कि दिस इज माई या फाइव फर्स्ट पोस्ट फॉर FB हेल्थ पेज। ओके तो ये मैंने एक फर्स्ट पेज यहाँ पर एक फर्स्ट पोस्ट डाल दिया है। यहाँ से कुछ मैं चेंजेस कर सकता हूँ इसका डिज़ाइन, इसके बाद मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा जो मैंने अपने YouTube चैनल के लिए पेज क्रिएट किया है उसका फर्स्ट पोस्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ओके तो अब क्या बाकी है, अब डायरेक्टली आप जो है आपका ये पेज है वो बन चुका है और अब आपको सिर्फ इस पेज को इनवाइट करना है। आप इसको डायरेक्टली यहाँ से प्रोमोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आप यहाँ से देखिए लाइक फॉलो इनवाइट फ्रेंड जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। इनवाइट फ्रेंड करेंगे, इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करेंगे, आपके जितने भी फेसबुक मेंबर हैं या फिर आपके फेसबुक फ्रेंड हैं उन सबको आप यहाँ से इनवाइट करेंगे, तो वो लोग इस पेज को लाइक करेंगे फॉलो करेंगे, तो आपके फॉलोअर यहाँ से बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर किसी को यहाँ पर भेजना है, ओके तो मैं यहाँ पर इनवाइट सेंड करता हूँ, ऐसे मैंने यहाँ पर इनवाइट सेंड कर दिया है अपने फेसबुक पेज के लिए। इसके बाद से ऐसे ही आप मल्टीपल इनवाइट जितने भी आपके फेसबुक के फ्रेंड हैं उनको भेज सकते हैं, ताकि आपका जो फेसबुक का पेज है वो जल्दी जल्दी आपके 10,000 सब्सक्राइबर जो है यहाँ पर पूरे हो जाएं। इसके बाद से आप अपने फेसबुक पेज से भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये यहाँ देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि आपका फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन होगा कि नहीं, कि इंडिया में आप इजीली जो है फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लोकेशन अबाउट सेक्शन में जाना है, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है जो फिल करनी बहुत जरूरी होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको लोकेशन डालना होगा। तो मैं यहाँ पर लोकेशन डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल दाहोद में हूँ गुजरात में, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है लोकेशन।
इसके बाद हम कुछ और भी यहाँ पर डालेंगे। ये मेरा लोकेशन हो गया, मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर देखिए इंटर वेबसाइट, यहाँ पर एक वेबसाइट डालनी है। कोई भी वेबसाइट अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप अगर यहाँ पर कुछ बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो आपके पास एक वेबसाइट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने megahindi.com डाल दिया। यहाँ पर मैं अपने टेक्नोलॉजी पोस्ट डालता हूँ, इंटरनेट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में वगैरह, ये सारा कुछ मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ। तो मैंने ये डाल दिया, तो हमने दो चीज़ पूरे कर लिए। इसके बाद फ़ोन नंबर हमें डालना है, तो फ़ोन नंबर मैं डाल सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर भी डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने ये फ़ोन नंबर भी डाल दिया। तो ये यहाँ से मैं कट कर देता हूँ थोड़ा, ये मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दिया है, ये भी हमारा इजीली यहाँ पर आ गया है। इसके बाद से इंटर ईमेल, ईमेल आईडी बोल रहा है कि ईमेल आईडी डालना है, तो मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी डाल दिया। कितना ईजी मतलब स्टेप है, आप जो है अपने यूट्यूब चैनल के लिए फेसबुक पेज बना सकते हैं। यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। तो सारे के सारे जो स्टेप है ये हमारे फॉलो होते जा रहे हैं। यहाँ पर एडिट बिजनेस हॉर, यानी कि आप कितने घंटे जो है अपने बिजनेस को ओपन रखेंगे, तो हमेशा ओपन रखना चाहते हैं तो ऑलवेज रखिए ओपन। मैं यहाँ पर ऑलवेज ओपन पर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने कट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर फॉलो कर दी है। यहाँ पर देखिए 13 में से 11 स्टेप जो है हमारे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इंट्रोड्यूस योर पेज, यानी कि हमारे पेज के बारे में जो है सबको बताना होगा, इन्वाइट करना होगा दूसरे अपने फ्रेंड को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं सेव एंड फिनिश लेटर के लिए बारे कर देता हूँ, या फिर स्किप एंड मार्क एज कंप्लीट पर कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर जो है प्रोवाइड इन्फो एंड प्रेफरेंस, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप वगैरह कनेक्ट, व्हाट्सएप के बारे में बोल रहा है कि आप अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट कर दीजिए। तो अभी हमने नंबर दे दिया है, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप से। तो यहाँ पर मैं सेंड कोड पर क्लिक करता हूँ, तो कुछ कोड जाएगा मेरे व्हाट्सएप पर। ओके, तो मैं यहाँ पर अब अपने मोबाइल में यहाँ से अपना कोड डालता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो कोड है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया, कंफर्म करता हूँ। तो अब मेरा जो ये व्हाट्सअप है वो भी मेरे फेसबुक से कनेक्ट हो चुका है। तो बोल रहा है कि ऐड व्हाट्सअप बटन, मैं क्या आपको अपना व्हाट्सअप बटन आपके फेसबुक पेज से कनेक्ट करना है, तो डेफिनेटली हमें करना है, ऐड बटन कर देता हूँ। तो मेरा जो व्हाट्सअप का बटन है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। आप कोई मैं पोस्ट बोल रहा है कि आप डायरेक्टली व्हाट्सअप पर पोस्ट डाल सकते हैं, क्रिएट पोस्ट डायरेक्ट टू व्हाट्सअप। तो यहाँ पर मैं क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कुछ मैं ऐसे सिंपली एक पोस्ट डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया, ये पोस्ट मैंने कवर का डाल दिया है, और यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम, वेलकम यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम पोस्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पर वेलकम पोस्ट के नाम से यहाँ पर एक पोस्ट डाल दिया है, और ये डायरेक्टली हम जो भी यहाँ पर व्हाट्सएप से कनेक्ट रहेगा उनके पास ये चला जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर पोस्ट डाल दिया है। अब यहाँ पर इसकी बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। बोल रहा है क्रिएट ऐड, यदि आप ऐड बनाना चाहते हैं तो ऐड से भी अपने पेज को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये बात की बात है, इस पर कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ से मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। हमारा 13 में से 13 स्टेप जो है जो हमें फेसबुक पेज बनाने के लिए करना था, हमने अपने यूट्यूब चैनल के लिए फेसबुक पेज बना लिया है। यहाँ पर लिख रहा है यू कंप्लीटेड ऑल द स्टेप, ग्रेट जॉब, यू कैन अपडेट इन्फो एनी टाइम इन एडिट फेसबुक पेज। ओके इन्फो, तो यहाँ पर हमने सारा कुछ यहाँ पर देखिए रेडी कर लिया है, सब कुछ, एवरीथिंग इज कम्प्लीट। अब हमें कुछ नहीं, हमने पूरी तरह से अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक फेसबुक पेज क्रिएट कर दिया है। अब हमें फेसबुक पेज से पैसे कमाने हैं, तो हमें जितना ज़्यादा चाहे हमें अपने पेज को प्रमोट करना है। यदि आप पैसे से प्रमोट करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप इस पे प्रमोट बटन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप फ्री में अपने फेसबुक पेज को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको कई सारे फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेंगे, वहाँ पर जाकर अपने पेज को प्रमोट करना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से आप सभी को काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी, और आप भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए फेसबुक पेज का बनाने का तरीका जो है वो सीख गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से आप सभी को अपने अपने लिए फेसबुक पेज बनाना आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो चाहते हैं तो रामजी टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।